भारत में जब भी रामायण की बात होती है तो एक ही रामायण सबकी जुबान पर होती है, वो है रामानंद सागर की बनाई हुई रामायण। उस जमाने में अच्छी टेक्नोलॉजी ना होने के बावजूद भी जो जिस सादगी और सरलता से रामानंद सागर ने रामायण को छोटे पर्दे पर ढाला है, शायद ही कोई और ढाल पाएगा। आज इस वीडियो में हम आपको उसी से जुड़े कुछ और किस्से सुनाएंगे। सबसे पहले किस्सा रामायण की कास्टिंग को लेकर है। रामायण के ज्यादातर किरदार रामानंद सागर ने अपने ही एक सीरियल विक्रम बेताल से कास्ट किए थे। अरुण गोविल भी उन्हीं में से एक थे। जब अरुण को पता चला कि रामायण बन रही है तो वो रामानंद के पास पहुंचे और बोले, पापा जी मुझे राम बनना है। पापा जी ने ऑडिशन देने को कह दिया। पहले राउंड में उन्हें सिरे से खारिज कर दिया गया। उन्हें भरत या लक्ष्मण का रोल देने का वादा किया गया। इसके बाद पापा जी ने कई ऑडिशन लिए पर उन्हें कोई पसंद ही नहीं आ रहा था। उन्हें दोबारा अरुण को फोन करके ऑडिशन देने के लिए कहा। उनके शब्द थे, भाई अरुण साड़ी सिलेक्शन कमेटी डिसाइड की थी यार, तेरे वर्गा राम ही नहीं मिल रहा। इस बार अरुण ने एक छोटा सा बदलाव किया। उन्हें सूरज बड़जात्या की बात याद आई। उन्होंने एक बार उनसे कहा था कि अरुण तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान बहुत जचती है, इसका कभी इस्तेमाल करना। अरुण ने यही मुस्कान अपने चेहरे पर ओढ़ ली और रामानंद सागर को उनके राम मिल गए। दूसरा ही एक किस्सा रामायण की सीता से जुड़ा हुआ है। दीपिका चिखलिया एक दिन पापा जी के घर पहुंची। वहां बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हो रखे थे। उन्हें लगा यहाँ कोई ट्यूशन पढ़ाने लगा है। पूछताछ के बाद पता चला कि रामायण के लिए लवकुश की कास्टिंग हो रही है। उस वक्त तक राम और सीता की कास्टिंग नहीं हुई थी। दीपिका वहां से वापस आ गई। एक दिन सागर साहब ने उन्हें सीता के रोल की टेस्टिंग के लिए बुलाया। 4 से 5 स्क्रीन टेस्ट हुए। दीपिका काफी थक चुकी थी। वो अब कहने लगी कि लेना है तो लो या फिर मुझे भेज दो। पर अंत में उन्हें सीता के रोल में साइन कर लिया गया था। अब राम और सीता की बात हो चुकी है तो लक्ष्मण का भी एक किस्सा सुना देते हैं। सुनील लहरी ने पहले शत्रुघ्न के लिए ऑडिशन दिया था। सबसे पहले लक्ष्मण के लिए संजय जोग ने एक स्क्रीन टेस्ट किया था पर इस रोल के लिए उन्हें अपनी काफ़ी डेट्स देनी पड़ती। उस वक्त वो कहीं और व्यस्त थे इसलिए उन्होंने बाद में भरत का रोल किया। इसके बाद शशिपुरी को लक्ष्मण के लिए फाइनल किया गया था पर उनके साथ भी कुछ समस्या थी। सुनील लहरी को जब पापा जी ने लक्ष्मण का रोल ऑफर किया तो उन्होंने पहले पहल इसे इनकार किया क्योंकि वो और शशि अच्छे दोस्त थे। उन्हें पता चला था कि शशि ने लक्ष्मण के लिए स्क्रीन टेस्ट दिया है। फोन घुमाने पर पता चला कि शशि ने इस रोल के लिए मना ही कर दिया है। तब सुनील ने लखनलाल का किरदार स्वीकार कर लिया था। अब हम आपको रावण से जुड़ा भी एक किस्सा बताते हैं। रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी गुजरात में थिएटर करते थे। जब उन्हें रामायण का पता चला तो वो ऑडिशन के लिए मुंबई आए। वो केवट का रोल प्ले करना चाहते थे। वो कहते हैं, इस धारावाहिक में रावण के किरदार के लिए सबकी मांग थी कि एक्टर अमरीश पुरी को कास्ट किया जाए। मैंने केवट के किरदार के लिए ऑडिशन दिया और जब मैं जाने लगा तो मेरी बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड देखकर रामानंद सागर जी ने कहा, मुझे मेरा रावण मिल गया। खुद अरुण गोविल भी इस बात को स्वीकारते हैं कि उन्होंने और टीम ने रामानंद सागर से कहा था कि अमरीश पुरी इस किरदार के लिए पूरी तरह से फिट हैं। अरविंद त्रिवेदी ने पहले रावण का रोल करने से मना कर दिया था। वो राम के लिए अपशब्द नहीं बोलना चाहते थे पर बाद में परेश रावल के समझाने पर वो माने। अरविंद त्रिवेदी ने बताया भी था, मैं असल जिंदगी में भी राम भक्त और शिव भक्त हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का दुख होता था कि दिए हुए स्क्रिप्ट के हिसाब से मुझे श्री राम को उल्टे सीधे शब्द बोलने हैं। जब रामायण में रावण की मृत्यु होती है तो रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी के गांव में भी शोक मनाया गया था। अब एक किस्सा ऐसा भी है जिसमें एक कौवे ने रामानंद को शूटिंग के दौरान परेशान कर दिया था। एक दिन रामानंद सागर बहुत परेशान थे। कारण ये था कि उन्हें दशरथ महल का सीन फिल्माना था। इसमें बालक राम बैठ के रोटी खा रहे हैं और अपनी माँ को पुकार रहे हैं। इस वक्त कौवा यानी काग भुसुंडी को आकर राम की रोटी छीनी थी। सब कुछ VFX से ही हो जाता पर उस वक्त सागर साहब सोच रहे थे कि कौवे से एक्टिंग कैसे कराई जाए। उन्होंने पूरी यूनिट को कौवा पकड़ने का काम दे दिया। किसी तरह 4 कौवे पकड़ में आए लेकिन शूटिंग से पहले ही 3 कौवे भाग गए। पापा जी को अगले सप्ताह ये एपिसोड दूरदर्शन को भेजना था। बड़ी समस्या थी। खैर कौवा लाया गया। स्टूडियो में कौवे की काव काव ही सुनाई दे रही थी। फिर सागर साहब कौवे के पास गए, उससे हाथ जोड़कर कहा कि शूटिंग करने दो, मैं संकट में हूँ। कमाल ये है कि जब कौवे को पिंजरे से बाहर निकाला गया तो वो ठीक वैसा ही कर रहा था जैसा रामानंद सागर चाहते थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ TV9 भारतवर्ष पर।